रेत खदानें बंद होने के बाद भी रेत की तस्करी जारी है। सिंगरौली में पुलिस ने फिर आधा दर्जन रेत तस्करों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सराई थाना पुलिस ने अवैध रेत की चोरी व परिवहन करने वाले दो ट्रैक्टरों के साथ छह रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। सभी छह आरोपी सराई थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँव में रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने दो ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं व खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इन सभी को सराई पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है। दरअसल सिंगरौली जिले में जून से सितंबर तक बरसात की वजह से प्रदेश सरकार के निर्देश पर रेत की खदानें बंद हो गई हैं। ऐसे में रेत माफिया अवैध रेत तस्करी करके लोगों से ज्यादा पैसा वसूलते हैं। थाना सराई अंतर्गत ग्राम गजरा बहरा और खनवा में आसपास अवैध रेत उत्खनन के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में पुलिस ने अपने मुखबिर लगा रखे थे और दिनांक 12/7/2020 की रात में पुलिस में खबर आई कि खनवा नाला में अवैध ट्रैक्टर से उत्खनन किया जाना है। पुलिस पार्टी थाने से निकली तो रेलवे गेट के पास दो लोग संदिग्ध हालत में मिले। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि रेत माफिया ने अपने आदमी लगा रखे हैं पुलिस का लोकेशन देने के लिए। उनसे बातचीत के बाद ये बात साफ हुई कि वहां ट्रैक्टर लगे हुए हैं और पुलिस ने रेड किया, जिसपे छह आरोपी और दो ट्रैक्टर मौके से पकड़े गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।